और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। तो देखो आज है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टेस्ट करने जा रहे हैं, काफी ज्यादा खतरनाक फोन्स टेबल पे रखे हुए हैं। तो भाई जिसमें सबसे पहला है iPhone 13 Pro, S22 Ultra, Vivo X80 Pro, Xiaomi 12S Ultra, iQOO 90 और ROG 6 Pro। मुझे ना ये चेक करना है कि जो Snapdragon 8 Plus Gen 1 आता है Android का अभी तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर, वो कितनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है अपने लास्ट जनरेशन से और साथ में एप्पल की A15 बायोनिक चिप से। समझ लो कि परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं और देखेंगे कौन कितना तगड़ा है और एंड में BGMI देखेंगे कि किस में कितनी ज्यादा तगड़ी चलती है। आई नो अगर आप बोलने वाले हो कि भाई BGMI तो अभी चली गई एंड ऑल वगैरह, अरे कोई बात नहीं, चली गई तो चली गई, अभी तक सर्वर तो बैन नहीं हुआ है ना, तो जब तक सर्वर चल रहा है तब तक खेलते हैं, अगर नहीं हुआ तो कोई दूसरा गेम टेस्ट करना चालू कर देंगे जैसे कि पबजी न्यू स्टेट हो गया। हालांकि न्यू स्टेट का नाम अभी पबजी उन्होंने हटा दिया, अभी न्यू स्टेट उन्होंने कुछ ऐसा नाम रख दिया है। अगर आप लोग उस गेम में इंटरेस्टेड हो गए तो कमेंट करके बता देना, आगे से उसको भी ट्राई करेंगे। बाकी होप करेंगे कि भाई जो भी BGMI का पंगा वंगा चालू है वो सॉल्व हो जाए और मस्त हमें वापस वही आ जाए, क्योंकि पर्सनल बोलूंगा मेरा भी एक बोलते ना ट्रू लव है बेसिकली। तो यहाँ पर iPhone 13 Pro के अंदर Apple का A15 बायोनिक चिप है जो अभी तक का उनका सबसे पावरफुल है। बाकी Vivo और Samsung के अंदर 8 Gen 1 का प्रोसेसर है और नेक्स्ट यहाँ पर Xiaomi, iQOO और Asus इन तीनों के अंदर Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर आता है। तो इन सभी फोन के अंदर जो इनकी प्राइसिंग हो गई, बैटरी हो गई, रैम और स्टोरेज हो गया, वो सब आप ऊपर चेकआउट कर पाओगे। तो भाई देखो सभी फोन है ना 100% चार्जिंग पर है और ना सभी के सभी 2.4 GHz Wi-Fi पे कनेक्टेड है, डेटा वेटा सब कुछ बंद करके रखा हुआ है, लोकेशन वगैरह चालू है। थोड़ा सा नंबर वंबर का आइडिया लेते हैं कि कहां पर ऐसा मजेदार निकल कर आते हैं। तो यहां पर N2 बेंचमार्क के स्कोर किए हुए हैं, लोवेस्ट जो स्कोर है ना iPhone 13 Pro पर है और उसके बाद में S22 Ultra और X80 Pro ऑलमोस्ट 10 लाख का स्कोर टच कर चुका था और बाकी जो Snapdragon 8 Plus Gen 1 वाले फोन है ना उनके अंदर 1 मिलियन का स्कोर टच कर चुका है, बट जो ROG है ना सबसे ज्यादा ऐसे स्कोर निकाल के देता है। और जब मैं ये निकाल रहा था ना स्कोर, तब ये ना एक्स मोड है ना ऑन कर देता है, लाइक थोड़ा सा ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है, लेकिन जो स्कोर आ रहे ना काफी ज्यादा तगड़े निकल कर आते हैं। और N22 के बाद में हम लोग अगर जो चेक करते हैं ना वो आता है Geekbench 5 के स्कोर्स। तो ऑन पेपर यहां पर आप लोग चेक कर सकते हो तो सिंगल कोर में बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर हमें देखने मिल रही है। भाई कहां पर iPhone 13 Pro पर 1733 का स्कोर है, बाकी यहां पर आप लोग खुद चेक कर सकते हो। और जो सबसे लोएस्ट है वो S22 Ultra है और जो मल्टी कोर में भी जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने मिलेगी वो भाई अपना iPhone 13 Pro 4685 का स्कोर है जो इनमें सबसे ज्यादा निकल कर आता है। और जो सबसे लोएस्ट आता है भाई वो S22 अल्ट्रा के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर जो 8 Gen 1 है ना वो बहुत ज्यादा मतलब इस फोन के अंदर हीट होता है और कह सकते हो जो थ्रॉटल भी अच्छा खासा कर जाता है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर स्कोर में थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिलता है। और बाकी रही बात CPU थ्रॉटल को लेकर, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर चेक कर सकते हो और iPhone 13 Pro के अंदर ना ये जो CPU थ्रॉटल स्कोर है ना वो निकलते ही नहीं आता, वो एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 8 Plus Gen 1 के जो प्रोसेसर है यानी कि जो Asus, iQOO और Xiaomi, ये जो तीनों फोन है इनकी जो CPU थ्रॉटल है ना काफी ज्यादा अच्छे निकल कर आएगी 8 Gen 1 से, और iPhone में तो आता नहीं है। तो भाई हम लोग क्या करने वाले हैं सभी फोन के अंदर अभी है ना BGMI कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं किसके अंदर किस तरीके की परफॉर्मेंस आती है और क्या ग्राफिक्स निकल कर आते हैं। और एक बात है यहाँ पर मैंने सिर्फ 20 मिनट का रिव्यू नहीं दूंगा, उसके पहले भी मैंने बहुत सारे गेम प्ले करे हैं और हर प्रोसेसर किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, कहां पर बेटर है कहां पर नहीं बेटर है वो आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले S22 Ultra की हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 100% बैटरी थी तो 1% बस बैटरी ड्रॉप हो चुकी है और सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशन है सारी रिमूव कर ली है और सबके अंदर यही चीज कर लूंगा, तो बार बार वो चीज आपको बताने वाला नहीं हो, बस समझ जाना कि भाई ने किया है। और यहाँ पर जितने भी फोन होने वाले ना सबको मैंने ऐसा मैक्सिमम जो उनकी रिफ्रेश रेट है ना उस पे ही मैंने सेट कर दिया है और जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो आप 50-40% के आसपास चल सकते हो। फोन का टेम्परेचर देख लेते हैं 34.9 डिग्री मतलब 35 पकड़ लो यार। और BGMI यहाँ पर ओपन करते हैं और सभी के अंदर हम लोग ब्राइटनेस वगैरह भी जो भी आंखों को सही लगेगी उस हिसाब से रख लेंगे, लेकिन जो वॉल्यूम है वो 100% पे रखेंगे। तो फाइनल जो सेटिंग रखने वाले हैं यहाँ पर स्मूथ, अल्ट्रा, कलरफुल और 2x एंटीलाइजिंग ऑन और बाकी अदर चीजें आप लोग चेक कर सकते हो। और जितने भी डिवाइसेस है सभी के अंदर कुछ इसी तरीके से सेटिंग रखने वाले हैं। जितनी भी टेस्टिंग कर रहा हूँ पंखा ऑफ करके रखा है मैंने, बट जो AC है ना वो चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है भाई ऑलमोस्ट 27 पर, तो मतलब जो अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर है ना उस पे चला रहा हूँ, क्योंकि फैन अगर ऑन करूंगा तो भाई माइक में पंखे का आवाज आ जाएगा, दैट्स व्हाई। और ये रहा हमारा टाइमर, तो चलो यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टार्ट। तो यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस है ना सभी के जायरो परफेक्ट चलते हैं, किसी में कोई टेंशन नहीं, ना ही किसी में टच रिस्पांस का टेंशन है। तो भाई लो चलो हम बूट कैम पे चले, लेट्स सी कुछ रियल लाइफ में एक्सपीरियंस होता है कि वो FPS ड्रॉप को लेकर। और पर्सनली तो अभी उतना कुछ ऐसा लग नहीं रहा है,
फर्स्ट मैच में कैसा बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है। चाहिए तो मैं एफएस मीटर लगा सकता था, बट मैं सोचा कि विदाउट एफएस मीटर देखते हैं, और एफएस मीटर लगाने का बस एक प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि वहां पर मुझे पीसी में केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी मोस्ट ऑफ डिवाइसेस में। हालांकि सैमसंग का इनबिल्ट एफएस मीटर आ जाता है, फिर दूसरे डिवाइसेस में इशू आ जाएंगे, इसके चक्कर में मैंने किया नहीं है। और वैसे भी सब ये जितने भी फोन्स हैं ना, सबके डेडिकेटेड ऐसे अलग से मैंने रिव्यू वगैरह बना के रखे हैं एफएस वीफएस के साथ में, तो वहां पर भी आप लोगों को मस्त में सारी चीजें अलग से पता चल जाएगी। अरे बेठे एकदम टर्न अंदर ही लैंड बोलते ना, एक नंबर बहु दोस्त तो उधम मचा दिया अंदर घुसते ही। हल्का सा लैग लगा मेरे को। एक तो हेडफोन नहीं है तो बस गेस कर रहा हूँ। तो भाई दो से तीन बूट कैंप खेल लिए, अभी के रैंगल पे जाते हैं। बूट कैंप का रिव्यू इतना ही है कि लाइक थोड़ा सा एफएस ड्रॉप मिलता है। सो यहाँ पर ये जो एरिया है ना, गेमिंग करते टाइम हीट हो जाता है। कोचिंग के पे तो बंदे ही बंदे आए भाई, इरेंगल पे भी मुझे ना एफएस ड्रॉप दिख रहे हैं, सच्ची बता रहा हूँ। क्या बात कर रहा है। तो 20 मिनट की गेमिंग के बाद में यहाँ पर जो फोन का टेम्परेचर है ना, तो सबसे जो हाईएस्ट गया है 38.8 डिग्री, और जो फोन में बैटरी भी है ना वो 88% पर आ चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 12% का ड्रॉप देखने मिल चुका है। और फोन है ना हल्का हल्का मुझे बैक साइड से वार्म लग रहा है। तो नेक्स्ट फोन यहाँ पर वीवो X80 Pro, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है। फोन के अंदर अभी फिलहाल 99% की बैटरी है। अगर इस फोन का टेम्परेचर हम लोग चेक करें तो 35 डिग्री के आसपास है। बूट कैंप पे जाएंगे और टाइमर स्टार्ट। तो भाई अगर Vivo X80 Pro का ऐसा थोड़ा सा स्टार्ट का इंप्रेशन दूं ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लैग फील हुआ था, इवन लॉबी में भी हुआ था, यहाँ पर भी हल्का हल्का मुझे लैग फील हो रहा है। बाकी नीचे जब जंप कर लेंगे ड्रॉप हो जाएंगे तो लेट्स सी और मस्त वाला आइडिया आ जाएगा। और यहाँ चलो यहाँ पर भी लैग मिल गया। भाई ड्रॉप मिल रहा है और मिलेंगे भी नीचे, ज़रा देखो क्या बारात आ रखी है। ड्रॉप भाई संभाल का शायद लग जाए। आ गया। ओह सो भाई बूट कैंप तो हम लोगों ने खेल लिया, और बूट कैंप पर इतना है कि इस स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और या फिर Vivo X80 Pro के अंदर मुझे ना हल्के हल्के ड्रॉप देखने मिले। अभी हम लोग इरेंगल खेल रहे हैं और लेट्स सी इरेंगल पर क्या होता है। भाई साहब यहाँ पर बंदे हैं स्कूल पर। तो देखो भाई ये टाइप का जो वीडियो है ना, इसको बनाने में बहुत बुरी तरीके से एफर्ट लगता है। अगर मैं आपको स्टिल अभी टाइम दिखाऊं कितना हो रहा है, तो चेक करो रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे। भाई ले ले जल्दी। हाँ रात के 2 बज रहे, 2 बजे हम लोग शूट कर रहे हैं और कब से बैठा हूँ, और ये वीडियो काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो भाई आप लोगों का सपोर्ट हमेशा मांगता है। तो भाई एक चीज़ है जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, वो है आपका लाइक का बटन। भाई वो लाइक कर देना, टारगेट हो सके तो कंप्लीट कर देना। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो में ऐसी ही बनाई थी जिसमें 5000 का लाइक का टारगेट रखा था, बट इस बार हम लोग थोड़ा सा लालची बनेंगे और अराउंड 8000 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो 8000 फटफट करवा देना। इधर भी ड्रॉप मिल रहा है, एंगल पर भी मुझे फ्रेम ड्रॉप महसूस हो रहा है। भाई इधर बंदे तो बहुत है और उसकी वजह से लैग भी मार रहा है। भाई फिर से लैग। भाई Vivo X80 Pro तो काफ़ी गंदा लैग मारा जा रहा है, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस डिवाइस से, सच्ची बताऊँ तो। चलो भाई 20 मिनट भी यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो फ़ोन की अगर हीटिंग को लेकर बात करें, सो 39.6 डिग्री ऑलमोस्ट 40 डिग्री टच हो गया है ऑलमोस्ट। और जब मैंने इसको फर्स्ट डेज रिव्यू किया था ना, तब ये इतना ड्रॉप नहीं कर रहा था जितना अभी ये मुझे इनिशियली फील हुआ है कि यस ये FPS ड्रॉप करता है। विदाउट FPS मीटर आपको बता सकता हूं। सो अभी अगले फ़ोन पे जंप कर रहे हैं। तो ये है Xiaomi का 12S Ultra। इंडिया के अंदर ये लॉन्च नहीं हुआ है, चाइना से दुबई से यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इसे मंगाया, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर आता है 1 इंच का कैमरा सेंसर।
ब्राउजर, जिसकी वीडियो आपको अलग से देखने मिलेगी, डिटेल वीडियो, तो वो चेक कर लेना। इसके अंदर आता है साथ में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1, ये वाला प्रोसेसर है बेसिकली। और यस, ये काफी मस्त इंप्रूव मिलते हैं, क्योंकि इस बार इस प्रोसेसर को TMCS ने बनाया है, और लास्ट जो था 8 Gen 1 उसको सैमसंग ने मैन्युफैक्चर्ड किया था। सो इसके अंदर तो इन्होंने काफी ज्यादा है, ऐसा बोलते हैं ना, अब थर्मल्स हो गई, यानी कि जो हीटिंग वाला पार्ट हो गया उसको बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव किया है। और कह सकते हैं कि ये साल में जो स्नैपड्रैगन का मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1, इससे पहले स्नैपड्रैगन 870 था। और रही बात फोन के टेम्परेचर को लेकर, तो 27 डिग्री के आसपास निकल कर आते हैं। और जब इस पे गेमिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर इसका जो इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल है ना भाई, वो लिटरली इस तरीके से ऐसा होल्ड कर लेता है फोन को, एक अलग तरीके की ग्रिप बन के आ जाती है, ऐसा मुझे फील होता है। यहाँ पर लास्ट मैच में एंटर कर जाते हैं, लेट्स सी क्या होता है। कोई तो है आसपास में। बस एक बात मुझे अच्छी कहने लगती है, क्या है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर अभी भी फिलहाल, क्योंकि अभी ये 90 FPS ना जल्दी से अनलॉक नहीं करके दे रहे हैं, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 था उसके अंदर भी 90 FPS नहीं आया, और ना ही हमें अभी तक फिलहाल 8+ Gen 1 के अंदर देखने मिला है। बट वहीं जो डायमेंसिटी 9000 हो गया या फिर डायमेंसिटी 8100 हो गया, उन प्रोसेसर इवन 25000 के फोन के अंदर भी हमें 90 FPS की गेमिंग करने मिल चुकी है। इवन जो रेडमी K50 आया था ना, जो 25-26 के अंदर मिल जाता है, और उसके अंदर डायमेंसिटी 8100 है, और उसके अंदर जो 90 FPS की परफॉर्मेंस है ना, काफी अच्छी निकाल देता हूं, ऐसा मैं कह सकता हूं उसके प्राइस ब्रैकेट को लेकर। सब वीडियो आप लोगों के एक्चुअली चैनल पे मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक कर सकते हो आप लोग आराम से। भाई ये नतीजे होते हैं रात को 2-2 बजे या 2:30 बजे के शूट करने पर, लाइक कभी कभी जवान लड़खड़ा जाती है, बट क्या करें, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो इरेंगल का अगर मेरा रिव्यू बताओ ना, तो इसके अंदर ऐसे कोई ज्यादा मुझे FPS ड्रॉप नहीं मिले, और ये मेरा पहला गेम नहीं है इन किसी भी डिवाइस में, इनके पहले बहुत सारी इनकी BGMI टेस्टिंग वगैरह अब भी जस्ट 2-3 दिन पहले और कंप्लीट करी है। इतने छोटे छोटे गेम प्ले में तो ज्यादा नहीं समझता हम लोग, और थोड़ा ज्यादा टेस्टिंग करने के लिए पर्टिकुलर डिवाइस में एक एक करके गेम प्ले किया है। तो यहाँ पर ये बात है कि इसमें जो अभी फिलहाल 60 FPS चल रहा है ना अपना इरेंगल पर, काफी सही निकल कर आ रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फन फैक्ट बताता हूँ, तो यहाँ पर ये जो इतना सा एरिया है ना, ये गोल्ड वाला पार्ट है, और देखने में भी काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है इसे। तो भाई ये लो, बूट कैंप पर चले हम, उधर से कोई दिखेगा, कोई तो दिखेगा। मैंने इधर ही खड़ा रहता हूँ, इधर से ही मारूंगा तेरी, तो बच गया भाई, मैं तो मेरे को कोई निपटा देता। हालांकि इस फोन के अंदर मुझे ना एक चीज क्या लगी है ना, क्या इसका जायरो ना कभी कभी उल्टा सीधा चलने लगता है, इतना तो मुझे फील हुआ था। ड्रॉप है, FPS ड्रॉप है भाई। भाई एक मिनट बाकी, एक काम करते हैं, TDM में घुस जाता हूँ। 38 डिग्री पकड़ लो, जो कि हीट की तरफ ज्यादा नहीं जाएगा ऐसा कह सकता हूँ, मतलब ठीक है कंट्रोल में। और जो फोन में बैटरी भी है ना, वो भी अराउंड 94% है। सो यहाँ पर 6% का ही डिप देखने मिला, जो कि काफी अच्छी बात है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो फोन होगा IQ90, इसके अंदर सबसे सस्ता कह सकता हूँ स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 है, जो आपको 50,000 रुपीज के अंदर देखने मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रूम टेम्परेचर अगर देखोगे तो 27 डिग्री के आसपास है, फोन में 98% बैटरी है, 100% था, बट अपने आप 1-2% इसने ड्रॉप कर लिया अच्छा खासा। और ये फोन है ऐसा ज्यादा ऐसा बल्की भी नहीं है, ऐसा कंफर्टेबल फोन कह सकता हूं, कैमरा बम भी नहीं है, तो ऐसा गेमिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी अच्छा फोन है, और लंबे चौड़े टाइप का फोन कह सकता हूं, थोड़ा सा चौड़ा आता है, जो कंफर्ट काफी अच्छी निकाल के देगा गेमिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से। बूट कैंप पर जस्ट ड्रॉप कर चुके हैं, और जितना मैं कहूंगा ना, अपना 12S अल्ट्रा ना लैग कर रहा था बूट कैंप पर भी हल्का हल्का, और इवन इरेंगल पर भी हल्का हल्का ड्रॉप कर रहा था, बट जितना मैंने IQ 90 के अंदर गेम प्ले किया है ना, तो मुझे इसमें इतनी ज्यादा ड्रॉप ऐसा कुछ इश्यू ज्यादा देखने नहीं मिला था मुझे पहले मेरी टेस्टिंग पर। बाकी यहाँ पर भी चेकआउट करते हैं किस तरीके से निकलता है, और बूट कैंप पर तो फिलहाल ऐसे स्टेबल FPS ही कहूंगा मैं। बूट कैंप का अगर मैं बताऊं ना, तो मस्त FPS निकाल के देता है, ऐसा जितने इन डिवाइसेस में मुझे फील हो गया था स्क्रीन पे देख के कि FPS लैग आ रहा है, बट इस पे वो नहीं फील हो रहा था। ये एक अच्छा कह सकता हूं अभी तक गेमिंग के लिए प्रोसेसर कहना चाहूंगा 8+ Gen 1। अबे हद है, मतलब हद है, हवा में भर रहा है भाई, एकदम इंटेंस सिचुएशन। और भाई यहाँ पर टाइम देखा ही नहीं मैंने, यहाँ पे छोड़ के बाहर आता हूँ।
तो 38 डिग्री फोन का टेम्परेचर चला गया है, जो इतना बुरा नहीं है, सही है, एकदम निकल कर आता है। चलो फटाफट अभी ROG 6 Pro पर है। इसके अंदर भी Snapdragon 8 Plus Gen 1 वाला प्रोसेसर है, X मोड इसके अंदर ऑन हो रखा है। और यहाँ पर चलो जी जल्दी से फोन का टेम्परेचर देखते हैं, 25 डिग्री है, इर एंगल पर जाएंगे और होप सो हम लोग अलाइव हो, कोई भर के ना गया होगा आसपास में। और ये ROG है तो इसमें आप लोगों को पता है वो एयर ट्रिगर से नॉल वगैरह सब कुछ आता है। और क्या सीन है ये, इधर ही हो नसीब, अभी तक कोई भरा नहीं मेरे को। बाकी अगर आप लोगों को इसका इनबिल्ट FPS मीटर मिल जाता है तो यहाँ पर वो शोकेस कर रहा होगा, सो उसमें भी थोड़ा बहुत FPS का आइडिया ले पाओगे। ROG की डिस्प्ले की ब्राइटनेस है ना ऐसा कम लगती है, लाइक मैंने जितने भी डिवाइस खेले ना उसके अंदर लाइक मैंने 30-40 इस तरीके की ब्राइटनेस रखी, इसमें मैंने 60 प्लस वाली ब्राइटनेस रखी हुई है। बाकी मैंने इसका बूट कैम का टेस्ट किया था और इतना कहना चाहूँगा कि वहाँ पर मुझे ना माइनर से ऐसे FPS ड्रॉप मिलते हैं और इरेंगल भी इतना ज़्यादा फील नहीं होता है, और भी स्मूथ पे खेल रहे तो और भी ज़्यादा इतना टेंशन वाली बात नहीं है। बट ROG पे भी इतना है कि बूट कैम पर FPS ड्रॉप मार देता है। तो भाई यहाँ पर है ना टाइमर अपना खत्म हो रहा है, नेक्स्ट जो आखिरी फोन बचा है iPhone 13 Pro, तो मैं क्या करता हूँ इधर ही लेट जाता हूँ, खाली होकर क्यों रैंक खराब करनी। सो लाइक ये भी है ना 40 डिग्री के अंदर ही था, मतलब 38-39 डिग्री तक था, इतना बीच में मैंने चेकआउट किया था। बट ज़्यादा लॉन्ग और खेलोगे ना तब जाके ये फोन और ज़्यादा हीट होता है, मतलब इसके जो मेटल फ्रेम्स है ना ये और ज़्यादा हीटिंग फील करवाते हैं। बाकी यहाँ पर लेजेंडरी गेमर्स का आईफोन पे टोटल भरोसा आईफोन 13 प्रो है। मोस्ट ऑफ लोग गेमर्स जो लोग हैं वो आईफोन 13 प्रो मैक्स लेते हैं क्योंकि बड़ी डिस्प्ले ना, दैट्स व्हाई, और बड़ी बैटरी भी आती है। पर यहां पर मुझे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज का फोन ज्यादा पसंद है, तो मेरे लिए आईफोन 13 प्रो मस्त है, हालांकि इसमें भी गेमिंग तगड़ी होती है। और भाई टेस्टिंग करते करते जरा टाइम देखो कितना हो चुका है, सुबह के ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं। सो इसमें तो आपको टेम्परेचर दिखा नहीं पाऊंगा, इसमें ऐप आती नहीं है, बट यहां पर हम लोग डायरेक्ट BGMI ओपन कर लेते हैं। और इसमें एक सबसे किलर बात तो भाई बताऊं क्या है, इसमें ना हमें 90 FPS और यहाँ पर फोन की जो बैटरी भी है 100% पूरी चार्ज हो रखी है। मैं इतने सारे डिवाइस पे खेल के आ चुका हूँ और सबसे लास्ट ये, और इसके अंदर 1% की बैटरी ड्रॉप नहीं हुई है। चलो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना शैनॉक पे चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर हल्का हल्का यहाँ पर वार्म फील हो रहा है, एकदम हल्का सा। लेकिन भाई अगर आप लोग चाहते हो कि आईफोन 13 प्रो का जो 90 FPS का गेम प्ले है वो आपको FPS मीटर के साथ देखना है, और आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो अभी भी 2022 के अंदर, तो मुझे एक बार ज़रूर कॉमेंट में बता देना, क्योंकि आईफोन पे अपना जो 90 FPS रन करवाना है ना बहुत हैवी पड़ता है FPS के साथ में, या फिर कभी कभी ग्लिचेस हो जाते हैं। सोल्यूशन तो मिल चुका है, बट आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो फिर मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, तो भाई कॉमेंट में जरूर बता देना। भाई 90 FPS तो भाई आईफोन पे तो क्या ही बोले यार, मतलब इससे ज्यादा स्टेबल तो कहीं नहीं देखने मिलेगा। तेरी तो हाँ 90 में भी लागे, क्योंकि फ़ोन हो चुका है हल्का हल्का गर्म और मुझे यहाँ पर जो लैग्स है ना वो महसूस हो रहे हैं। भाई टाइम अब हो चुका है और मैं क्या करता हूँ एक सेफ जगह पे जाके बस ऑलमोस्ट 84% पर आ गई है यहाँ से कह सकता हूँ, और स्लाइडली यहाँ से हल्का हल्का वार्म हो जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ मैं कह सकता हूँ होगा ही क्योंकि साइड में स्टेनलेस स्टील है या जो भी इन्होंने डाल रखा है वो निकल कर आता है। सो हल्का हल्का वो गर्म होगा भी, और इतना है कि परफॉर्मेंस हमें अच्छी मिलती है, बट जो 90 FPS है वो उतना तगड़ा नहीं है, लाइक उसको आप एवरेज समझ सकते हो, वो बीच में नीचे भी आता है FPS में थोड़ा। 60 FPS एकदम कॉन्स्टेंट एकदम चिपक के मिलेगा, बट जो 90 FPS है वो थोड़ा सा कम देखने मिलेगा। बट एक है कि इन सभी डिवाइस में ये अकेला ऐसा डिवाइस था जो 90 FPS की गेमिंग करवा के दे रहा था, जो सबसे बड़ी और खतरनाक बात कह सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरी टेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट यहाँ पर रात के कितने बज रहे हैं, एक्चुअली सुबह के बज रहे हैं 4:30 बज रहे हैं। सो 100 से और 20-20 मिनट की गेमिंग के बाद में कुछ इस तरीके का बैटरी का डिफरेंस हमें देखने मिलता है। सबसे तगड़ी और मस्त गेमिंग कौन करवा के दे रहा है, तो मुझे सबसे पहले एक तो अपना आईफोन 13 प्रो तो लगता ही है, क्योंकि 60 FPS कॉन्स्टेंट और चिपक के देगा। हालांकि 90 FPS भी है बट वो उतने स्टेबल मतलब लाइक प्रॉपर कॉन्स्टेंट 90 नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। और उसके बाद में जो सेकंड बेस्ट लगा ना वो था आईकू 90, काफी खतरनाक, काफी मस्त स्टेबल FPS 60 FPS तगड़े निकाल के देता है। उसके बाद अगर मैं किसी को कंसिडर करना चाहूंगा तो ROG 6 Pro आता है, जो 60 FPS एकदम कॉन्स्टेंट नहीं, मतलब थोड़ा बहुत बीच में ड्रॉप कर देता है, इतना मैं आपको बता था, मेरा पर्सनल रिव्यू आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर ऐसा बोलूंगा ना तो ये 3 बचते हैं, पर 12S अल्ट्रा भी FPS ड्रॉप मारता है, फिर Vivo X30 Pro थोड़ा ज्यादा FPS ड्रॉप कर रहा था, फिर उसके बाद में S22 अल्ट्रा भी, मतलब दोनों सिमिलर निकल कर आते हैं। कौन प्रोसेसर कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है वो आपको पता चल गया इस वीडियो में देखकर। कितने बजे, ऑलमोस्ट 1 बजे के
आसपास या पता नहीं उससे पहले हम लोगों ने टेस्टिंग चालू करी थी और अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं और अभी एडिट करने बैठूंगा तो और लंबा टाइम भाई, उसके लिए तो कुछ अलग ही कहना। तो भाई का अप्रिशिएट करना थोड़ा सा, लाइक वाइक दबा के, सब्सक्राइब वगैरह दबा के। मैं मिलूंगा आप लोगों को और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय।